जिले में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा है। जिला प्रशासन के अनुसार जिले में 66% मतदान हुआ, जिसमें सबसे ज्यादा बुढ़ाना विधानसभा में वोटिंग हुई, जबकि सबसे कम शहर सीट पर वोट पड़े। शहर में एक बूथ पर रालोद भाजपा समर्थकों में झड़प हुई, तो बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के शाहपुर के एक बूथ पर भाजपा प्रत्याशी ने एक युवक को फर्जी वोट डालते हुए पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट भी की, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान संपन्न होने से जिला प्रशासन ने भी राहत की सांस ली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पहले चरण में आज मुजफ्फरनगर समेत 11 जनपदों की सभी 58 सीटों पर वोट पड़े। मुजफ्फरनगर में 6 विधानसभा सीटों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हुआ। जनपद में लगभग 66% मतदान हुआ है। शहर सीट पर सबसे कम 62% व बुढ़ाना विधानसभा सीट पर सबसे ज्यादा 68% वोट पड़े। मतदान की रफ्तार सुबह से ही काफी अच्छी रही और शाम 6 बजे तक बूथों पर वोटिंग जारी रही। मतदान का समय पूर्ण होने के बाद मतदान स्थल के गेट बंद कर दिए गए थे, लेकिन जो लोग अंदर प्रवेश कर गए उन सभी के वोट डलवाए गए हैं। जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह व SSP अभिषेक यादव भी पुलिस बल के साथ लगातार पोलिंग बूथ पर भ्रमण करते रहे। कोविड गाइडलाइन के अनुरूप ही मतदान कराया गया, जिसमें मास्क व सोशल मीडिया डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा गया। मतदान स्थल में प्रवेश करते समय किसी को भी मोबाइल अंदर नहीं ले जाने दिया गया। मतदान के दौरान जनपद में लगभग सभी जगह शांति बनी रही, लेकिन शहर विधानसभा के मोहल्ला आनंदपुरी विश्वकर्मा धर्मशाला में मतदान के अंतिम समय में भाजपा रालोद समर्थकों में टकराव की स्थिति बन गई। अच्छी बात रही कि दोनों पक्षों की नोकझोंक को पुलिस ने आगे नहीं बढ़ने दिया और लाठियां फटकार कर भीड़ को ततर बितर कर दिया, जिससे कोई बड़ी घटना नहीं हो सकी। इसके अलावा शाहपुर एक बूथ पर भी भाजपा प्रत्याशी उमेश मलिक ने एक युवक को फर्जी वोटिंग करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसके साथ मारपीट भी की गई। इस दौरान वहां हंगामे की स्थिति बन गई, लेकिन पुलिस ने उस वक्त युवक को हिरासत में ले लिया और मामला बढ़ने से रोक दिया। जनपद में मतदान के दौरान दोपहिया वाहन तो चलते रहे, जिनका प्रयोग लोगों ने मतदान स्थल तक जाने के लिए किया, लेकिन उन वाहनों को मतदान स्थल से दूर ही रोक दिया गया तथा बूथ तक पैदल जाने की हिदायत पुलिस लगातार देती रही। कुछ जगह चौपहिया वाहन भी दौड़ते नजर आए। मतदान के दौरान सुबह से ही कई जगह से EVM मशीनें खराब होने और कनेक्टिविटी न होने की शिकायत भी मिलती रही, जिससे कई बार मतदान बाधित हुआ। शहर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में भी घंटों मतदान रुका रहा, जिससे लोगों को परेशानी उठानी पड़ी। इसी प्रकार भोकर हेड़ी में भी एक बूथ पर EVM काफी देर तक नहीं चली, तो लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया, लेकिन पीठासीन अधिकारी ने तत्काल EVM बदलवा दी, जिससे मतदान सुचारू हो सका। कुल मिलाकर जनपद की सभी 6 सीटों पर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ, जिससे जिला प्रशासन के साथ ही लोगों ने भी राहत की सांस ली। बोलने की तमीज है क्या? बोला इसने क्या बोला? विकास भाई अब तो यार बहुत कर देखो फिर विकास भाई ये तो गलत बात है। हाथ मत लगा दियो धरती पे उतार दियो। अरे यूं कह रही है कुत्ते का सुनो सम्मानित आदमी सम्मानित गलत बात है नहीं गलत कितनी होती हो बोल क्या रही है सुना तुमने अजय मैं क्या चुपचाप था हमारे पास ये पट्टी यूं कह रही है कि सारा कुत्ते का वो है क्या की हिम्मत हो रही है अरे क्या नाम है आपका? दीपक सिंगल। दीपक जी किस मुद्दों पर वोट देकर आए हैं आज? किन मुद्दों पर वोट देकर आए हैं आज? एक मुद्दा हो तो बताऊं। सुरक्षा, विकास, भ्रष्टाचार मुक्त समाज, ठीक है, पानी, बिजली, सड़कें, एक मुद्दा हो तो बताऊं। मतलब आप बोलो कौन सी ऐसी चीज है जो हमें नहीं मिली इन पांच सालों में? और 5 साल पहले क्या मिला? 5 साल पहले गड्ढे, बिजली में जनरेटर, धुआं,
दिल्ली में 7 घंटे का रास्ता 7 घंटे में भी भरोसा नहीं है, आज 2 घंटे मैक्सिमम 2.5 घंटे चल दिल्ली जाने के लिए, क्या नहीं मिला? रेलवे स्टेशन देखो ना, हम इतने बड़े हो गए, हमें लगता ही नहीं था कि 99 होगी, हमें लगता ही नहीं था इलेक्ट्रिसिटी होगी। आज स्टेशन पे मेरा लड़का आया काफ़ी दिनों बाद, स्टेशन पे आके गाड़ी खड़ी होगी, उसे लग रहा कि मुजफ्फरनगर ही नहीं आया, फिर उसने कहीं पढ़ा देखा कि नहीं ये तो मुजफ्फरनगर है, फटाफट उतरा, देखा रहे तो मुजफ्फरनगर का स्टेशन ऐसा हो गया। अरे और क्या इससे ज़्यादा विकास लोगे भाई? और अभी तो 5 साल हुए योगी जी के, अगले 5 साल आने दो, बिल्कुल आएंगे 100% आएंगे, जबरदस्त बैटिंग होगी, बॉल छक्का पार, मतलब छक्का स्टेडियम पार जाएगी बॉल। क्या नाम है सर आपका? जी डॉक्टर अनुभव सिंघल। आप भी इन्हीं मुद्दों पर वोट देकर आए हैं? सर मुद्दा तो वही है गुड गवर्नेंस। आप ये बताइए कि आज की डेट में जो भी वोटिंग हो रही है, भाई हिंदू है, मुसलमान है, जाट है, तीन ही तो मुद्दे हैं यहाँ पे मुजफ्फरनगर में, कि भाई जाट कह रहे हैं हम रालोद को दे देंगे, जो बनिया है, व्यापारी है, पैसे वाला है, वो बीजेपी का, और जो मुसलमान है उसे मतलब कि भाई सपा को, ये तीन चीज़ें हैं मोटा मोटा, कोई कहे ना कहे। लेकिन ये बताओ भाई योगी जी ने भाई गुड गवर्नेंस दी, भाई गुंडा राज खत्म किया, ऐसा तो है नहीं, मुसलमानी सब सख्ती करी है, ये मुक्तानंद सारी है जो भी हैं, जो हिंदू हैं उन पर भी सख्ती हुई है, जो टायर में गोली मारी है मुसलमानों के भी मारी, हिंदुओं के मारी, ये दुबे जो मारा है एनकाउंटर करा पुलिस ने, ब्राह्मण ही तो था, तो कोई मोदी ने या योगी ने ऐसा थोड़ी कर कोई एंटी मुस्लिम किया, मुसलमानों को डरा के कि भाई मुसलमानों को खा जाएगा मोदी, ये करके उसे वोट ले रहे हैं मुसलमानों को डरा धमका के, या नहीं? हाँ गठबंधन, जहाँ तक बात है देखो गुड गवर्नेंस, पहले मुजफ्फरनगर में यहाँ बिजली आती नहीं थी, हम लोग दिल्ली में, नोएडा में, लखनऊ में, कानपुर, अलग अलग शहरों में रहते थे, मुजफ्फरनगर आने में डर लगता था, क्यों? लाइट आएगी नहीं, गर्मियों में कितनी देर, 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे कितनी देर लाइट जाती थी, पानी साथ में आता था, और अब चाहे बारिश हो रही हो लाइट नहीं आने की, लाइट नहीं जाएगी, छोटे शहरों में आने से क्यों आदमी डरता था, लाइट नहीं जाएगी। दिल्ली में रामप्रस रोड के एक तरफ दिल्ली, एक तरफ यूपी, इधर के रेट कुछ, इधर के रेट कुछ, क्यों? लाइट नहीं थी, लाइट तो मेन चीज़ है ना। अच्छा दूसरी बात, हम मेरठ से मुजफ्फरनगर आते थे, पिछले मैं सुभारती मेडिकल कॉलेज में था, मुजफ्फरनगर शिफ्ट हो गया हूँ, पिछले 1-1.5 साल में 6 ब्रिज बन गए हैं, 6 ब्रिज, पहले 1 ब्रिज का मतलब था मिट्टी आके पड़ गई, रोड ही आके पड़ गई, सालों का काम खत्म, रोड बंद, काम खत्म, अब पता चलता नहीं ब्रिज पहले बन जाता है, ये तेजी है कि नहीं? पहले रोड बन रही है, गड्ढे पड़े हैं, आके सामान डल गया, सालों का काम, अरे यार खुद गई, अब बन गई, ये टोल वॉल जो हैं जितने भी हैं, ऐसा लॉ एंड ऑर्डर आपने कभी देखा कि गाड़ी पीछे कर दी, चल भाई चल, अगर पैसे नहीं जमा, पहले क्या नेताजी का फ़ोन, हेलो मैं इसका आदमी हूँ, मैं नेताजी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा पॉसिबल था भाई? लॉ एंड ऑर्डर सबके लिए सेम है, खाली मुसलमान नहीं, हिंदू नहीं, आप ये हो तो किसी के लिए भी। गुड गवर्नेंस में आपको सुरक्षा चाहिए भाई, जब तक राजा ईमानदार नहीं होगा, जो आदमी ना तो जिसका पत्नी ना जिसका पति ना जो योगी है या मोदी है, ये अपने परिवार के लिए कर रहे हैं, 24 में से 25 घंटे काम कर रहे हैं, कोई छुट्टी नहीं लेते, कोई इनका बैंक बैलेंस, कोई इनकी प्रॉपर्टी, कोई इनका शेयर, कोई इनके पास सोना, कोई इन पे लैंड कुछ है, अपने गवर्नमेंट के लिए, केवल अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, जबकि ये लोग अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव, बहन जी, ठीक है अपने अपने, लेकिन ये लोग जिसका फेवर लेके गवर्नमेंट बनाएंगे उन्हें फेवर तो देना पड़ेगा ना इन्हें, इनकी गलती नहीं है, चाह के भी नहीं कर सकते, ये जिसका फेवर लेके गद्दी पाएंगे उसका फेवर अल्टीमेटली ना वापस करना पड़ेगा, ये चाह के भी नहीं कुछ कर सकते, वोट बैंक की बात है ये तो केवल। ठीक है, महिलाएं किन मुद्दों पर इस बार वोट देकर आई हैं? मैम हमारी सुरक्षा सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि हम सुरक्षित हैं, आज हम किसी भी समय कहीं भी जा सकते हैं, पहले हम नहीं जा सकते थे, पहले तो हम अपने हस्बैंड के संग भी सुरक्षित नहीं थे, उनके संग भी गुंडागर्दी करके चले जाते थे, चेन खींचते थे, चूड़ियां तक निकाल के ले जाते थे, अब ऐसा कुछ नहीं हुआ, 5 सालों में ये सब कुछ नहीं हुआ, विकास देखने को मिलता है, हर जगह विकास ही विकास है, आप सड़कें देखिए, आप जैसे भैया ने बताया ब्रिज देखिए कि पहले ही बन जाता है, इतने गड्ढा खुदता है इतने ब्रिज भी तैयार हो जाता है, तो ये सब बहुत सब कुछ इतना अच्छा चल रहा है, हम तो चाहते हैं कि मोदी सरकार ही आए, योगी सरकार ही आए और हमेशा के लिए वही रहे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम इनाम इलाही कुरैशी है। जी बताइए कुरैशी जी, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के? मतदान हो गया है, मतदान हो गया, मैं वोटिंग करके आ गया हूँ और कमल के फूल को वोट दे के आया। अच्छा क्यों देकर आए? मुझे आप ये बता दीजिए, ये लोग ठगमंदन वाले डराते धमकाते हैं कि योगी आएगा, मोदी आएगा, मार देगा, मुसलमान को निकाल देगा,
मुझे ये बताइए 7 साल में जो विकास की योजनाएं आई हैं, अभी मकानों की योजना आई, क्या हिंदू को मकान मिला है, मुसलमान को नहीं मिला क्या? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, मुसलमान को नहीं मिला क्या? सबको मिला है मकान। आयुष्मान आया, सिलेंडर आया, किसको मिला? मुसलमान को भी मिला है ना। अभी गेहूं, राशन, तेल, चीनी सबको मिल रहा है ना। कहाँ भेदभाव है, किस चीज का भेदभाव है? ये लोग डराते हैं, ये लोग मुसलमान को इसलिए डराते हैं कि मुसलमान इधर जाएगा, लेकिन अब क्या ऐसा नहीं होगा, मुसलमान बिन मांगे वोट देगा इनको। किनको? कमल के फूल को, कपिल देव अग्रवाल जी को। संजीव बालियान जी की मेहनत है जो 5 साल यहाँ जिले में झगड़ा नहीं हुआ, नहीं तो 5 साल में 5,000 बार हिंदू मुस्लिम होता था। पहले, इससे 5 साल पहले? हाँ, इससे 12 से पहले, 12 में हुआ, 12 में, 13 में हुआ, एक तरफा कार्रवाई हुई। जो लोग मरते हैं वही लोग थाने में बैठते हैं। 34 तारीख को इन्होंने शहीद चौक पे मीटिंग रखी थी, 31 तारीख में नंगला मोजोड़बाद में हुआ था, 30 में पहले हुआ था। कहाँ थे अखिलेश यादव? सेफई में डांस देख रहे थे बैठे हुए, सेफई के अंदर डांस देख रहे थे। अगर अखिलेश यादव चाहते, यहाँ के मंत्री चाहते, यहाँ के लोग चाहते, यहाँ के सपा के लीडर चाहते, तो यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला था। यहाँ तो भाईचारा था। इन लोगों ने खाई खुदवाई। मुजफ्फरनगर, मोहब्बत नगर को जो बदनाम किया है, तो ठगबंधन के लोगों ने बदनाम किया है। चाचा अमीर आजम खान साहब ने बदनाम किया है, अमीर आलम खान ने बदनाम किया है, कादिर राणा ने बदनाम किया है। क्यों अब क्यों नहीं टिकट दे दिया? अब डर गए क्यों? अब क्यों नहीं टिकट दिया? नहीं, थाना भवन से होता था अमीर आलम और शहर से होते थे कादिर राणा। अब कहाँ है? अब क्यों नहीं दिया? अब क्यों नहीं दिया है? क्यों नहीं दिया बताओ? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए क्यों नहीं दिया टिकट इन लोगों? हाँ, इन लोगों को टिकट नहीं दिया। ये लोग गुंडे ही हैं, गुंडे ही हैं, गुंडा तत्व है। इनको इसलिए इनके लोगों ने ही बाहर निकाल दिया। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? वैभव गोयल। वैभव जी, क्या लगता है इस बार चुनाव में क्या हुआ है, किन मुद्दों पर चुनाव वोट देकर आए हैं? मेन मुद्दा रहा है सुरक्षा। सुरक्षा ही आदमी का सबसे प्रमुख एक अधिकार है, और वो ये मोदी गवर्नमेंट ने पहले और उसके बाद योगी जी ने इस पूरे प्रदेश को प्रोवाइड कराया है। अगर सुरक्षा ना हो तो कोई व्यापारी अपना व्यापार ना कर पाए, कोई शिक्षक अपना शिक्षक कार्य ना कर पाए, लेकिन इस सुरक्षा के मुद्दे ने ही इस बीजेपी को इस बार 300+ और 350+ तक पहुँचाने का काम किया है। क्योंकि क्योंकि सुरक्षा मुस्लिम को भी मिली है। अगर हिंदू मुस्लिम कोई कर रहा है तो उसके बाद ये सोचना चाहिए मुस्लिम को भी सुरक्षा मिली है। उनकी भी स्त्रियां कह रही हैं कि हमें घर बैठे अनाज मिला है। कोरोना काल एक ऐसा जो कि 100 वर्षों की एक महामारी बीमारी आई है, उसमें अगर ये गवर्नमेंट ना होती तो आप सोच लीजिए कि कांग्रेस जैसी जो केवल खाने का काम करती है वो सारा पैसा खा चुकी होती और एक गरीब के घर का चूल्हा तक ना जलता किसी भी टाइम। 150 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीनेशन। जो लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ी है, तो उस वैक्सीनेशन के लिए जो पैसा लगा है वो भी तो आम जनता की जेब से जाएगा। आप या तो वैक्सीन फ्री ले लीजिए या फिर आप खुद वैक्सीन लगवा लीजिए। महंगाई हर गवर्नमेंट में आती जाती रहेगी, कम या बढ़ती रहेगी, लेकिन सुरक्षा आप इसके बाद मुजफ्फरनगर की बात करें, कुछ ही जिलों को यूपी के आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती थी, सफाई में मिल गई, इटावा में मिल गई, यहाँ पर लाइट। हम लोगों को पता है कि हम कैसे रात को छतों पर बिताते थे अपनी गर्मी की रातें। पर जिस दिन से मोदी गवर्नमेंट आई है और उसके बाद योगी जी ने, जरा आप इलेक्ट्रिसिटी का देखिए कि 24 घंटे में से अगर एक घंटे का भी कट हो तो आदमी को ये लगता है कि कैसे लाइट चली गई। सड़कें जो कि हमारे नितिन गडकरी जी का एक पूरा का पूरा एक सपना है, उस सपने को उन्होंने पूरा करा है और आने वाले 10 वर्षों में उन्होंने कहा है कि यूरोप जैसी सड़कें पूरे के पूरे भारत में बना के देंगे। सड़कों का क्या हाल है? सड़कें बहुत बढ़िया हैं जी। आप यहीं से बिलोंग करते हो कि बाहर से करते हो? अच्छा, बाहर से करते हो। हमारे यहाँ एक सकोती जगह है, सकोती पे रेलवे का क्रॉसिंग था, तो हम लोग जब दिल्ली जाते थे तो यहाँ से हम करते भगवान सकोती का फाटक खुला मिले, भगवान सकोती का फाटक खुला मिले, क्योंकि उसका ये नहीं पता था 2 घंटे लगेंगे 4 घंटे लगेंगे। ठीक है भाई साहब, अब हमें दिल्ली जाने में यहाँ से
दो घंटे लगते हैं, ये जितने भी लोग बैठे हैं मुजफ्फरनगर उन सब का हफ्ते में 10 दिन में दिल्ली जरूर जाना पड़ता है। तो सड़कों की बात तो ये रही, दो घंटे में हम लोग दिल्ली चले जाते हैं। कोई आदमी बीमार था, एम्बुलेंस फंस जाती थी, वो बेचारा अपने दम तोड़ देता था। सड़कों की तो स्थिति ये है जी। और कोई एग्जाम्पल चाहिए? हमारे यहाँ संधावली फाटक पे एक छोटा सा कोई मुद्दा था जो सपा गवर्नमेंट सोल्व नहीं कर पाई। मस्जिद का मुद्दा था, चलो जो भी मुद्दा था, कितने एक्सीडेंट हुए, क्या एक्सीडेंट ये पूछ के होता है तुम मुस्लिम हो, ये पंडित है, ये जाट है, मैं बढ़िया हूँ? एक्सीडेंट तो किसी का भी होता है, जिसके घर का आदमी जाता है उससे पूछो तो क्या तकलीफ होती है। संजीव बालियान जी ये कैसे बंदे हैं? यदि संजीव बालियान जी नहीं होते तो वो हाईवे का पुल ना बन पाता। करीब 60 घरों और सुनो, उन्होंने बताया था एक मीटिंग में केवल एक मंसूरपुर थाने के इंस्पेक्टर ने कहा बालियान साहब आप खड़े हो जाओ और मैं बुलडोजर चलवाता हूँ, मैं देखता हूँ क्या होता है, और पुल बना। क्या इस विकास में क्या हिंदू चलता है उस पुल पे? मुस्लिम को नहीं मिला, ये तो क्या करना है विपक्ष ने, क्या करना है? हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे तो वोट कैसे मिलेंगे? रोड पे क्या यहाँ लिखा है हिंदू चलेगा मुस्लिम नहीं चलेगा? क्या खालापार में लिखा है कि हिंदू नहीं चलेगा वहाँ पे? क्या हमें वहाँ पे जाने में कोई तकलीफ है? क्या मुस्लिम को मंडी में घूमने में कोई तकलीफ है कि बताओ? सपा गवर्नमेंट थी जब कवाल का कांड हुआ, हम लोग मंडी में आज तक झगड़ा नहीं हुआ था, सबसे पहले मंडी में शुरू हुआ था भाई साहब। जब तक 3 बजे ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ था ना, मेरठ छावनी से सेना चल दी, तब तक चारों तरफ गोलियां चल रही थी, सेना सेंट्रल गवर्नमेंट ये सुनाती है तुरंत बंद हो गई थी। क्या बात, सपा गवर्नमेंट कहाँ चली गई थी? हम लोग कमल सनी में मेरा ऑफिस है, जब हमें पता चला कि झगड़ा हो गया हम लोग गए शिवमूर्ति देखने, आप जैसे पत्रकार हमारे मित्र थे, उन्होंने कहा कंट्रोल रूम में आ जाओ, ईंटें ऐसे आ रही थी जैसे ओले पड़ रहे हों, जैसे ओले पड़ रहे हो ऐसे ईंटें आ रही थी। ये भाई यदि कोई शिवमूर्ति पे गया तो पूछ लो आप, बदल दिए गए हमारे यहाँ के पत्रकार को गोली किसने मारी, क्यों लगी, उसके क्या बच्चे नहीं थे, कहाँ गई थी सपा गवर्नमेंट, आज रो रही है, इसे कहते हैं सुरक्षा। आप तो किसी पत्र, आप यहाँ खड़े हो कुछ भी हो सकता है, आप लोग भी तो अपनी जान जोखिम पे लेके हमारे से इंटरव्यू ले रहे हो, रेलवे स्टेशन आपके क्या बच्चे नहीं है? रेलवे स्टेशन मंदिर, हमारे सैनिक शहीद हो गए, उनके सिर काट लिए, अब काटो ना। आज तक सर्जिकल स्ट्राइक की कौन सी गवर्नमेंट की हिम्मत करा दी? कोई भी नहीं करा पाया। 1% भी फेल हो जाती मोदी जी को सूली पे टांग देती विपक्ष, 1% भी फेल हो जाती, कितना रिस्क था। जिन लोगों ने इसका जुम्मा उठाया था, जो हमारे सैनिक भाई हैं, उनसे पूछो, रेलवे स्टेशन में आप पूछो, आप रेलवे स्टेशन पे मंदिर था, हिंदू भाइयों ने कहा नहीं, किसी को कि मंदिर था वहाँ पर, मेन एंट्रेंस पे मंदिर था, मेन एंट्रेंस पे मंदिर था रेलवे स्टेशन पे, आप जाके चलो हम चलते हैं आपका इंटरव्यू लोगों, कॉलोनी के लोगों ने कहा नहीं विकास के लिए मंदिर नहीं, दूसरी बालियान साहब ने कहा नहीं हम जगह यहाँ देते हैं, ठीक है शिफ्ट हो गया, किसी को पता चला है? और वहाँ पे कितनी मौतें हुई हैं, कितने परिवार उजड़े हैं, जरा सी एक मस्जिद के पीछे, मस्जिद तो 2 कदम पीछे भी बन सकती है, जो भी कुछ था, लेकिन केवल और केवल मुस्लिम भाई नहीं मना कर रहे थे वहाँ हटाने के लिए, राजनीति केवल राजनीति। स्टेशन क्या नाम है जी आपका? मैडम संजय गोयल है। संजय गोयल जी, विपक्ष मजबूत दिखाई दिया इस बार, नहीं दिखाई दिया? व्यवस्था बिखरा हुआ है। बिखरावा कैसा है? बिखरी रही है तो आपको हमें दिखा रहे हम, एक है रात को जाके लड़े हैं कि हाँ भाई क्या हुआ पैसों के ऊपर, भाई जो दिए थे खर्च हो गए भाई, लाहौर ला वो कहाँ से थे बेचारा कैंडिडेट, कहाँ तक देगा? रोजगार नहीं मिला, अबे था रोजगार मंत्री था वहाँ, जब तू गवर्नमेंट में रोजगार मंत्री रहा वहाँ से, तेने रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध कराए भाई बताओ? रोजगार मंत्री रहे तो रोजगार क्यों नहीं उपलब्ध कराए? अच्छा इस बार किन मुद्दों पर चुनाव देकर आए हैं? मुद्दे आप देख लो, विकास के मुद्दे हैं, और आप ये देख लो शांति है, अमन है हर जगह, आपकी हमारी बहू बेटी बहने सुरक्षित है, कहीं भी किसी टाइम आ जा सके। ठीक है, क्या नाम है जी आपका? राजीव। हाँ जी, बहू बेटी सुरक्षित है? बढ़िया जी, फर्स्ट क्लास। कैसे सुरक्षित है, क्या होता है, 5 सालों में क्या हुआ है ऐसा? 5 साल में काफ़ी विकास हुआ है, तरक्की हुई है, और मुझे मुजफ्फरनगर से कपिल देव जीतेगा। अच्छा कपिल देव जी जीतेंगे? हाँ जी। सरकार किसकी बनेगी? हाँ जी, बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनेगी 100%। बीजेपी की? बीजेपी की क्यों बनेगी? क्योंकि हमें सुरक्षा मिल रही है, सुरक्षा मिली है, हाँ विकास हो रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहित। मोहित आप क्या करते हैं?
मैं कुछ नहीं करता अभी, बेरोजगार हूँ। बेरोजगार है तो 5 साल से बेरोजगार है, पहले से बेरोजगार है? 5 साल से बेरोजगार हूँ। किसे क्रेडिट देना चाहेंगे कि बेरोजगार? बीजेपी सबसे बढ़िया है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे मेन बात है कि हमारी गांधी कॉलोनी के अंदर पहले इतना वो हो रहा था कि लड़की घूम नहीं सक रही थी, अब आराम से रात के 11 बजे तक 10 बजे तक ट्यूशन पढ़ के आती है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी कुछ भी। पहले क्या माहौल था? पहले 5 बजे भी नहीं जा सके थी दोपहर में, शाम के टाइम 5 बजे भी नहीं जा सके थी, और अब 11 बजे खुद के लिया जो लड़की। अच्छा, रोजगार की क्या स्थिति है? रोजगार मिलेगा जरूर, 100% मिलेगा। 5 साल में मिला नहीं मिला? 5 साल में मिला हो या ना मिला हो, अब मिलेगा, अब मिलेगा 100% मिलेगा। तो बीजेपी सरकार आने में मिलेगा? मिलेगा। क्या नाम है आपका? सूर्यांश। पहली बार मतदान कर आया? हाँ जी, मैंने आज पहली बार मतदान किया है। कैसा लग रहा है? सुबह से मेरे 10-12 दोस्तों का फोन आ चुका था कि सूर्यांश भाई वोटिंग कर दिया, सूर्यांश भाई वोटिंग कर दिया। और मेरे को लगता है कि मेरी उम्र में, मतलब जो मेरी एज ग्रुप में, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बिकॉज हमने सब देखा है, हमने शुरुआत में जो लड़ाइयाँ होती थी वो भी देखी, और अब जो हमें डेवलपमेंट मिल रही है हमने वो भी देखी है। क्या डेवलपमेंट मिल रही है 5 सालों में? मैं नोएडा में, मैं MIT नोएडा में पढ़ता हूँ, तो मुझे अच्छे से याद है जब मैं पहले आता था, मतलब जब हम घूमने पहले नोएडा वोएडा जाते थे तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब मुझे याद है 1-2 घंटे से कम में मैं अपने घर आ जाता हूँ MIT से। तो जो इतनी अच्छी अच्छी रोड्स बनी है, जो हमें इलेक्ट्रिसिटी, जो हमें घरों में अपनी इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, गर्मियों में AC चलता है पूरे दिन, अब जो चलता है वो पहले नहीं हो सकता था। तो ये सब चीज़ें मतलब मैंने अपने उसमें देखी हैं, तो इन सब की वजह से ही मोदी गवर्नमेंट को मैं अब भी वोट दे रहा हूँ और हमेशा देता रहूँगा, हमेशा देता रहूँगा। दर्शकों, ये मुजफ्फरनगर क्षेत्र का खालापार एरिया है, मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करता हूँ कि चुनाव किन मुद्दों पर होने जा रहे हैं और आने वाले चुनाव पर जो चुनाव हैं क्या मांगे हैं इन लोगों की। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद शमीम है। शमीम, मतदान करके आए हैं आप, कैसा लग रहा है? सब पहले तो ये बताइए, 5 साल में एक आम आदमी को मौका मिलता है सरकार बदलने का? नहीं, अब तो उत्साह है वोटिंग में, वोटिंग परसेंटेज अच्छा आएगा अब के, क्योंकि सभी लोग पिछली सरकार से बहुत ही नाराज़ हैं और इसका विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने कोई काम नहीं किया, कोई विकास नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया है, और उस आधार पर अब के सभी हिंदू मुस्लिम भाईचारे का संदेश दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग कर रहे हैं, और अब के वोटिंग परसेंटेज भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम को सबको समझ में आ गया, सब भाईचारे में रहकर और प्यार मोहब्बत का संदेश देते हुए अब के इस सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं, भाजपा सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मांगे क्या हैं वैसे? युवा हैं आप, मांगे क्या हैं? मांगे बिजनेस की हैं और ग्रेजुएशन की हैं, और जो मांग है विकास होना चाहिए, और ये हॉस्पिटल सुविधाएं अच्छी होनी चाहिए, और 300 यूनिट बिजली का वादा जो किया है के लिए सरकार ने, वो भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत तादाद में गरीब मुस्लिम वोट हैं और हिंदू वोट भी गरीब हैं बहुत ज़्यादा, तो उन्हें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है कि 300 यूनिट बिजली है, 5 साल राशन फ्री है, बहुत सी सुविधाएं के लिए सरकार देने जा रही है और भाजपा को उखाड़ने जा रही है। बिल्कुल उखड़ेगी भाजपा। गठबंधन का जो मामला चल रहा, सब अपना बच्चा बच्चा बड़ा बड़ा सब वोट कर रहा, ठीक है जी, और हम भी वोट कर गए। अच्छा, मांगे क्या है वैसे, क्या होना चाहिए आपके अनुसार? सरकार कोई भी आए, हमें उससे मतलब नहीं, लेकिन मांगे क्या होंगी सरकार से? सरकार से मांगे भाई, रोजगार चाहिए, रोजगार चलेगा, और ये पेट्रोल पे पैसे बढ़े हुए हैं, ये गैस सिलेंडर पे, बिजली पे, बस और क्या चाहिए गरीब आदमी को, क्योंकि बिजली को लेके गरीब आदमी बहुत परेशान है, और पेट्रोल को लेके, गैस सिलेंडर को लेके, भाई गरीब आदमी को क्या चाहिए? अपना उनका बच्चा पढ़ ले लिख ले, इन चीज़ों से बचेगा तो बच्चा भी पढ़ लिख लेगा, तो यही है बस अपना। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम हुसैन है। हुसैन, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 40 साल की उम्र है। 40 साल की उम्र। इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होने चाहिए आपके अनुसार? चुनाव तो रोजगार के मुद्दे होने चाहिए, कारोबार के मुद्दे होने चाहिए, महंगाई जो बढ़ रही, पेट्रोल के दाम, गैस के दाम, इन पे होना चाहिए चुनाव। लेकिन जो भाजपा सरकार सिर्फ एक ही मुद्दे पे चुनाव लड़ाई, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे, ये सबका विकास सबके साथ की बात करते हैं, ये सब झूठा नारा है इनका, ये कोई विकास नहीं करते। सिर्फ अगर इन्होंने विकास किया है तो हिंदू मुस्लिमों का विकास किया है, इसको लाके खड़ी खाई खोद दी है, लेकिन हिंदू मुसलमान सब समझ गए हैं ये क्या कर दिया, क्या करना चाहती है। अब इन्हें पहले मंदिर मुद्दा, इन्हें कोई ना कोई मुद्दा मिलना चाहिए, अब इन्हें
पलायन का मुद्दा मिल गया। इसे पलायन कहते हैं, किसी बदमाश ने किसी से फरौती मांग ली, आपने बदमाश को मार दिया, बड़ी बढ़िया बात करी। लेकिन अगर उससे आदमी डर के चला गया, कोई पलायन नहीं है, वो पलायन हुआ है जो पूरा का पूरा गांव खाली हो गया, जंगल में रात गुजारी जिन्होंने, कई कई महीने जंगल में पड़े रहे, उसको पलायन कहते हैं। अभी क्या अमित शाह, योगी, मोदी क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं होना इनके कहने से। अब सारा हिंदू मुसलमान सब समझ गया है, सबको अगर सबको साथ लेके चलना है तो सबका साथ होना चाहिए, सबका विकास होना चाहिए। क्या नाम है जी आपका? जी मेरा नाम शारिक खान है। शारिक, युवा है आप, इस बार युवाओं की क्या मांग है, चुनाव में क्या होना चाहिए? बस युवाओं की मांग तो यही है, बेरोजगारी, और जितने भी इन बीजेपी वालों ने अब तक के जितने भी कांड किए हैं, इससे किसी कोई महरूम नहीं है, सबको पता ही है। बीजेपी ने बेरोजगारी पे कुछ नहीं करा, युवाओं के लिए कुछ नहीं करा, और भूखमरी आ गई। जितने भी लोग इसमें एनआरसी लाए थे, ये एनआरसी में इन्होंने बहुत अत्याचार करा, वो तो इनका टाइम सही खराब था जो एनआरसी को लागू नहीं कर पाए, वरना इनकी जो प्लानिंग थी, सोची समझी साजिश थी, इनका माहौल ख़राब करना चुनाव के टाइम पे। और अभी मैं देख रहा हूँ, जैसे कि इसी इसमें 2013 का दंगा दोबारा से उठाया इन्होंने, तो इनका सिर्फ एजेंडा यही है, हिंदू मुस्लिम करवाओ और वोट लो। अच्छा, 5 साल में कितनी हिंदू मुस्लिम हुई है? 5 साल में हिंदू मुस्लिम बहुत हुई है, इन्होंने घर घर जाके मुसलमान को और हिंदुओं को तोड़ने की कोशिश की, जिसमें ये नाकाम हुए। अब हिंदू भी समझ गए और मुसलमान भी समझ गए, जिसमें ये नाकाम हुए। और 100% अखिलेश यादव की गठबंधन की सरकार आ रही है, और ये इनके मुंह पे एक तमाचा होगा हिंदू मुस्लिम की तरफ से, जो इस पे ये नाकाम रहे। ठीक, क्या नाम है जी? इरफान है मेरा नाम। इरफान, किन मुद्दों पर चुनाव होने जा रहे हैं, मतदान करके आए हैं, क्या मांगे हैं, क्या होना चाहिए? बस यही है जी, महंगाई खत्म होनी चाहिए, और बस यही है, गरीब आदमी का रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार नहीं है? रोजगार नहीं, बस ये मांगे हैं और कोई नहीं? ये मांगे और बस ये हिंदू मुस्लिम पे मुद्दा उठावे, और कुछ नहीं। इन पे करती भाजपा, अखिलेश आना चाहिए, अखिलेश आना चाहिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।